यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हाँ जी, फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन का, यही मॉक टेस्ट का हमारा थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नरेशन का ये जो सेट है हमारा टेस्ट का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई गेस एंड आई बिलीव कि आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नरेशन का टॉपिक बाय हर्ट बहुत अच्छे से करना चाहते हैं एंड वंस एंड फॉर ऑल इस टॉपिक को फिनिश करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली एक तो डिटेल्ड वीडियोस वो जाएंगे और वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे एंड आफ्टर दैट ये जो अपना टेस्ट वाला पार्ट है इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करके देखेंगे। अगर आप लोगों के कुछ आंसर्स गलत भी बन रहे हैं, सो नॉट अ बिग डील, एक बार उसके आंसर्स को सुने, प्रैक्टिस करें और इसी टेस्ट को दोबारा से करने की कोशिश करें। जितनी बार आप लोग ये टेस्ट करेंगे उतना ही बेटर सीखते जाएंगे और वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट से ऊपर ही लेवल है। दैट मींस अगर हमारा कोई बहुत इजी गोइंग एग्जामिनेशन है जो आप लोगों ने फिल कर रखा है, कोई लो लेवल एग्जामिनेशन है, तो हमारे लिए क्वेश्चंस क्लैरिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24-23 तक हमारे क्वेश्चंस डन हो चुके थे इन माय लास्ट वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो जरूर वीडियो देखें। 24th क्वेश्चन सेज द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग। तो समझ में आया, गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू द टीचर। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना डेफिनेटली कोई रेस्पेक्ट विश करने की बात कर रहा है और जब भी ऐसे विश करेगा डेफिनेटली गुड मॉर्निंग तो उसका पोर्शन रहेगा ही रहेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक पॉइंट है रेस्पेक्टफुली, डिटेल्ड वीडियोस में बताया भी था, जब भी ये आप लोगों की बेसिकली कैटेगरी कौन सी है, यू विल सी ऑप्टेटिव मैम। ऑप्टेटिव में ही तो विश, ब्लेस या कर्स वाला पोर्शन था। अगर आप किसी को विश कर रहे हो गुड मॉर्निंग तो चलिए ठीक है, मैंने बोला उसने मेरे को बहुत रिस्पेक्टफुली विश किया। अगर बहुत रिस्पेक्टफुली विश करोगे तो क्या सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलोगे, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलोगे, यू विल से गुड मॉर्निंग मैडम। सी और डी पार्ट डायरेक्टली हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगर रिस्पेक्टफुली ही किसी को बोलना है तो वहां पे मैडम लगाना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू द टीचर, टू देयर टीचर। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, देयर टीचर है ना, तो यहाँ पे देयर कौन सी कैटेगरी का है, बोलोगे मैम थर्ड पर्सन है, यहाँ पे तो द है, पॉसिबल ही नहीं है कि अ हमारा आंसर आ जाए क्योंकि द को तो आप देयर में चेंज नहीं करोगे ना। हाँ देयर ही है जो देयर में ही आंसर करेगा, सुपर इजी था बी पार्ट अपना आंसर बनाना, गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू देयर टीचर। लिख लेंगे जी फटाफट से, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 25th question says she apologized, she said I am sorry, I am not able to submit those papers। फिर से हमें समझ में आया, चलिए ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की हम लोगों को कोशिश करनी है। शी अपोलोजाइज्ड, आई एम सॉरी, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अरे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो नहीं है, पता चल जाएगा अगर वो माफी मांगने की बात कर रही है। शी सेड शी वॉज सॉरी, शी सेड दैट शी वॉज सॉरी, तो समझ में आ गया ये तो हमारा आंसर ही नहीं हो सकता। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ अपोलोजाइज करना चाहती है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो तो बहुत दुख की बात है, इसमें ऐसे कोई दुख वाली बात नहीं है, वो सिर्फ माफी मांग रही है और सॉरी को हमेशा एपोलॉजी के साथ ही रिलेट किया जाता है विदाउट इवन रीडिंग द ऑप्शंस। मैंने बी सी और डी ऑप्शन को रीड भी नहीं किया, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ए पार्ट इज द राइट आंसर। और एक बार पूरा आंसर पढ़ लेते हैं, शी एपोलोजाइज्ड फॉर नॉट बींग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, बिल्कुल सही है। अगर कोई बोलेगा आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, सो शी एपोलोजाइज्ड, उसने एपोलोजाइज किया फॉर नॉट बींग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जिस आंसर को, आफ्टर दैट विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 26th क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, द गर्ल वॉन्डर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। तो समझ में आया मैम, ये जितना भी हमारा क्वेश्चन, वॉन्डर्ड मतलब एक तरीके से हैरान हो जाना, वेयर द स्पैरोज हैड गॉन, तो यहाँ पे था द गर्ल सेड ओ, ये हमारा एक्सक्लामेटरी वाला पार्ट है जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है। वॉन्डर्ड लिख दे, एक्सक्लेम्ड लिख दे, वो एक ही बात है थी, ओ ओ या ओ तो रहा। आफ्टर दैट वेयर का वेयर, तीनों में वेयर था तब भी हमें समझ में आया कि बेसिकली ये पार्ट तो हमारा बिल्कुल सही है, वेयर के बाद क्या था,
द स्पैरोज हैड गॉन, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली वेयर के बाद यहाँ पे चेक करें वेयर द स्पैरोज हैव गॉन। अगर मैं ये आंसर बनाऊं वेयर का वेयर रहेगा लेकिन वेयर के बाद द स्पैरोज हैव गॉन, क्या ये हमारा आंसर बोलेगा? बोलोगे नहीं मैम, क्योंकि वेयर के बाद जो पोर्शन होगा ना वो पक्का यस नो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे वो कैटेगरी ही नहीं है। एक काम करें वेयर को छुपाएं, अगर वेयर को छोड़ा तो द स्पैरोज हैव गॉन, क्या ये यस नो कैटेगरी है? बोलोगे नो मैम, सी ऑप्शन को डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे। आएंगे दूसरे पार्ट पे, हैव द स्पैरोज गॉन, हैड द स्पैरोज गॉन, आर द स्पैरोज, आर द स्पैरोज, वेयर आर द स्पैरोज, बी पार्ट बिल्कुल ही गलत है, गो वाला तो पोर्शन ही नहीं है। आएंगे ए और बी पोर्शन पे, कितनी इजीली हम लोग छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे पॉइंट से अपनी ऑप्शंस को कट शॉर्ट करते जा रहे हैं और आंसर के और भी ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। कैसे? द गर्ल सेड वेयर, अब यहां तक तो सही है, हैड द स्पैरोज गॉन, हैव द स्पैरोज गॉन, अब यहां पे आंसर बनाऊंगी। अगर मैं इसका आंसर बनाती फर्स्ट का द स्पैरोज तो द स्पैरोज रहता, लेकिन हैड गॉन, जैसे ही मैंने हैड गॉन देखा समझ में आया ये बात करेगा पास्ट परफेक्ट की। लिख रही हूं मैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, मैंने बोला पास्ट परफेक्ट को किसमें चेंज करोगे? छोटी छोटी पॉइंट से माइंड में आने चाहिए कि मैम पास्ट परफेक्ट यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट है वो वहां पे किसमें चेंज होगा, उसके तो चेंज होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमेशा एज इट इज रहेगा। सो द स्पैरोज हैड गॉन, अब यहां तक तो ये सही बन रहा है। अब हमारा बी ऑप्शन चेक करेंगे, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, तो यहाँ पे अगर द स्पैरोज वाला पोर्शन पहले आया तो वो जस्टिफाइज है, जस्टिफाइड है। हैव गॉन मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ में आया मैम, अगर ये पास्ट, ये सॉरी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, जबकि जो आप लोगों का पास्ट परफेक्ट है ना उसका तो कोई भी आगे इनडायरेक्ट ही नहीं बनता, डायरेक्टली। मेरे को समझ में आया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट अगर डायरेक्ट में है उसका इनडायरेक्ट कुछ होगा ही नहीं। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन होता ना तो ये आंसर बन ही नहीं सकता था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कोई आंसर नहीं बनेगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड, अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो बहुत ईज रहेगी, हैव गॉन था तो उसको चेंज कर दिया हैड गॉन में। दैट इज द रीजन व्हाई बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। After that, go to our next question, 27th question. She said to me, I am going shopping, can I get you something? So she said she was going, she said she was going. अगर चेक करें she said she was going, she said she तक तो बिल्कुल सही था, तीन options में was है और एक option में is है। अब थोड़ा थोड़ा mind लगाने की कोशिश करेंगे। I am going shopping, अगर I am going है, अगर क्वेश्चन में am going मतलब present continuous tense है, change किस में होगा? Past continuous में। That is the reason why B option को directly क्या कर देंगे? Cross कर देंगे। अब was going तो बनेगा, यहां पे भी was going shopping and, यहां तक बहुत सारा portion same है जिसमें कोई changes नहीं है। And after that, Can I get you something? क्या ये बताने का काम कर रहा है या पूछने का काम कर रहा है? बोलोगे मैम पूछने का, तो यहाँ पे said वाला portion, क्योंकि यहाँ पे said था, not at all possible, B और C option देखते ही तुम लोगों ने cross कर दी। A और D option हमारे पास रह चुकी है, she was going shopping and asked if तो बिल्कुल सही था। After that यहाँ पे आई था, अगर हमारे पास क्वेश्चन की बात करें, अगर हमारे पास क्वेश्चन की बात की और यहाँ पे आई होता, क्या आई चेंज होगा? बोलोगे मैम बिल्कुल आई चेंज होने के लिए जाएगा शी के पास जाके बोलेगा मेरे को तुम्हारी फैमिली का कौन से वाला केस चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे तो है कैन आई गेट यू समथिंग, क्या आई यहाँ पे चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होने के लिए जाएगा शी के पास, शेस के, मुझे तुम्हारी फैमिली का कौन से वाला केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो आई अगर शी के पास गया तो शी का अपने आप में ही सब्जेक्टिव केस ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आई का आंसर आई में लिखा है, डी पार्ट भी हमारा रॉन्ग आंसर है, डायरेक्टली टिक कर लेंगे, क्योंकि आई चेंज होगा शी में। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, प्रोनाउन से भी तुम लोगों ने जजमेंट कर ली और पूरा का पूरा आंसर बहुत जल्दी बन जाएगा।
लिख लेंगे जी 27th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28th क्वेश्चन। चलिए 28th क्वेश्चन पे आए, मिस्टर रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज कार व्हाइल ही वाज अवे। आंसर हमारे पास था इनडायरेक्ट में, बनाना था डायरेक्ट। चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला मिस्टर रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, आस्क्ड हिज फ्रेंड, क्या वो इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड है ना, अगर वो इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आस्क वाला तो यहाँ पे फैक्टर ही नहीं आएगा, क्रॉस कर देंगे। सेड टू हिज फ्रेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और डी ऑप्शन में भी है। आफ्टर दैट यू कैन मेक यूज ऑफ माय कार, जब मैंने ये देखा ये क्या है, यूज माय कार। आंसर में क्या है, यहाँ पे टू हिज फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमर्स हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, सही है। He could, यहां पे जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि डी ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन है। यहाँ पे तो यू कैन यूज माई कार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, यूज माई कार, यू कैन यूज माई कार तो यूज ही नहीं किया, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन को क्रॉस कर देंगे। जैसे ये समझ में आया ए और सी हमारे पास ऑप्शन आए, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे कैन, यहाँ पे विल, अगर मैं चेंज करूंगी कैन को तो किस में चेंज करूंगी, बोलोगे मैम कुड में। अगर मैं चेंज करूंगी विल को तो किस में चेंज करूंगी, बोलोगे मैम वुड में। लेकिन क्या यहाँ पे ही के साथ आप लोग वुड लगाते, बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों को ही के साथ क्या लगाना पड़ना था, कुड लगाना पड़ना था। यहाँ पे विल है और यहाँ पे हमारा आंसर में क्या है, आंसर में हमारा इसका आंसर बनेगा विल का वुड बनेगा, जबकि यहाँ पे कुड दे रखा है, सो डेफिनेटली 28th का आंसर आएगा ए पार्ट। टिक कर लेंगे जी, इसका आंसर सही आएगा ए पार्ट। यू कैन यूज, यू कैन मेक, अगर यहाँ पे मेक था तो मेक रहेगा। यूज ऑफ माई, माई चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, बोलोगे मैम फर्स्ट पर्सन रमेश के साथ, तभी तो यहाँ पे हिज कार बनाया, हिज कार वाइल He was away, while I change होने के लिए फिर से किसके पास जाएगा, रमेश के पास। रमेश का क्या बनेगा he, जबकि यहाँ पे while I am away ये सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये will would का जो mistake था उसी से समझ में आया कि can का could बनेगा, और अगर will होता तो उसका would बनता, क्योंकि he के साथ आप लोग किस चीज को यूज कर सकते हैं, he के साथ आप लोग बिल्कुल would को यूज कर सकते हैं। बताया था I और we के साथ ज्यादातर shall को यूज किया जाएगा या should को, बाकी सब के साथ आप would को यूज कर सकते थे, सो टिक कर लेंगे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे 29th क्वेश्चन पे, काला सेड टू राधा हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा समझ आने की कोशिश हुई कि वो पूछने का काम कर रहा है, बिल्कुल, और हर ऑप्शन में यहां पूछा ही जा रहा है, करण आस्क राधा, लेकिन यहां पहली दो ऑप्शन में दैट लगा दिया, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो जाती है अगर ऐसी गलतियां वो करना शुरू कर दे। इन्वर्टेड कॉमास हटा के सिर्फ और सिर्फ हु का ही यूज किया जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। आफ्टर दैट यहाँ पे शी का शी एज इट इज था, यहाँ पे हैड बीन स्पीकिंग, तो क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे क्वेश्चन में क्या था, वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, तो यहाँ पे ये जो यू था ये तो चेंज हो गया शी में, लेकिन वर स्पीकिंग, मैंने बोला वर स्पीकिंग क्या है, बोलोगे कि मैम ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है किसमें चेंज होगा, बोलोगे मैम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे ये तो हैज बीन है, तो डेफिनेटली हैड बीन ही है जो मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसकी बात करेगा, डायरेक्टली सी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी 29th का सी पार्ट। चलिए चलेंगे आगे। आफ्टर दैट 30th क्वेश्चन सेज द किंग सेड टू हिज मेन डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी फेस देम ब्रेवली, तो यहाँ पे जो किंग है वो ये क्या करेगा, सेड टू हिज मैन, वो बताने का काम करेगा, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो क्या किंग ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो एडवाइस दे रहा है, क्या वो बताने का काम कर रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी फेस देम ब्रेवली, वो क्या यहाँ पे ऑर्डर करेगा, क्या पूछने का काम करेगा, पूछने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। दैट इज द रीजन वाई आस्क्ड वाली जो मेरी ऑप्शन थी उसको देखते ही क्रॉस कर देंगे,
क्या वो अपने इनको बताएगा, इनको अपने मेन को? नहीं, वो बताने का काम नहीं कर रहा। वो या तो ऑर्डर कर सकता है या एडवाइस कर सकता है। मैंने बोला डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, फेस देम ब्रेवली, तो एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये सलाह भी हो सकती है। और राजा है तो ऑर्डर भी कर सकता है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन तो क्रॉस हो चुकी हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। His man, यहां तक तो सही था, लेकिन टू नॉट भी नहीं होता, नॉट टू भी होता है, याद है ना? जब भी आप इसको चेंज करते हो, एडवाइस या ऑर्डर, ये सारे किस में आते हैं? बोलोगे मैम इंपेरेटिव वाले पोर्शन में। इंपेरेटिव में जब इन्वर्टेड कॉमास को हटाया जाता है और सेंटेंस नेगेटिव हो, तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि टू नॉट भी आएगा, तो डायरेक्टली पता चला ए पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी 30th का ए पार्ट, टिक करते रहेंगे। आफ्टर दैट कम टू 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन सेज, कृष्णा सेड टू सुभाष, आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट। तो फटाफट से अपना टाइम वेस्ट किए बिना ना जल्दी से इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। कृष्णा टोल्ड सुभाष दैट, यहां तक बिल्कुल सेम था, ही तक भी बिल्कुल सेम था। दो में विल है, दो में वुड है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन में विल था तो आंसर में क्या आएगा? बोलोगे वुड आएगा। ए ऑप्शन को कट कर दो, सी ऑप्शन को कट कर दो, बी या डी ऑप्शन हमारे पास रह चुकी है जिसमें से आंसर देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वुड रिटर्न, वुड रिटर्न सेम है, द बुक सेम है, आफ्टर सेम है, ही भी सेम है, Had read it या has read it? अब पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? Have read it। जैसे ही मैंने have को देखा तो has have plus verb की third form। क्वेश्चन में क्या given था? बोलोगे मैम क्वेश्चन में given था present। हमारे पास ये present perfect tense है। मैंने पूछा tense change होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास mind में एक चीज आती है कि बिल्कुल मैम टेंस तो चेंज होंगे ही होंगे, तो बिल्कुल जी यहाँ पे हैज हैव को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पे हैड रेड इट आ जाएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। टिक कर लेंगे 31st का बी ऑप्शन। चलिए चलेंगे इसके आप 31st का बी ऑप्शन। आफ्टर दैट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32nd क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो को पॉज करते जाएं और अपने आंसर भी साथ की साथ बनाते रहेंगे। 32nd क्वेश्चन, नरेंद्र सेड, नरेंद्र आस्क्ड विनोद, यहां तक हर किसी में बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर वाई है तो यहाँ पे दैट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ए और सी ऑप्शन रहेगी। देखिए कितनी इजीली हम लोगों ने दो ऑप्शन को सेकेंड्स में हम लोगों ने उसको क्रॉस कर दिया। बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वाई ही यहाँ पे तो सही है। आफ्टर दैट आर, यहाँ पे यू को हम लोगों ने चेंज किया ही में, आर स्टिल वेटिंग, आर वेटिंग क्या है? बोलोगे मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। फर्स्ट को क्रॉस कर दो, थर्ड वाले को टिक कर दो। यहाँ पे वॉज है, स्टिल तो एज इट इज रहेगा, वेटिंग तो ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। 32nd का आंसर टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आफ्टर दैट गो टू 33rd क्वेश्चन। इट सेज जैक फेल एज ही हैड हैव विश्ड, द मदर सेड, द मदर सेड दैट, द मदर सेड दैट, इन सभी ऑप्शन में सेड दैट जैक, सेड दैट जैक, यहां तक तो सॉरी जैक तक तो बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट जैसे ही मैंने इसका आंसर बनाने की कोशिश की, द मदर सेड दैट जैक, आफ्टर दैट यहाँ पे जैक फेल आएगा, जैक हैड फॉलन आएगा। समझने की थोड़ा 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 कोशिश करेंगे, पता चलेगा कि यहाँ पे डायरेक्टली ना आप लोग अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा था सॉरी यहाँ पे जैक फेल, अब मैंने बोला जैक फेल है, फेल का मतलब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो किस चीज को डिनोट करेगी? सिंपल पास्ट टेंस को। मैंने बोला सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज करोगे? बोलोगे पास्ट परफेक्ट में। लेकिन क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था? पास्ट परफेक्ट से पहले तो यहाँ पे फेल आ गया, गलत था। क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है तो ये भी गलत है। ये तो बात ही प्रेजेंट की कर रहा है, डायरेक्टली समझ में आया, क्योंकि सिंपल पास्ट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में। सो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड फॉलन एज ही वुड हैव,
विच, टिक कर लेंगे जी यहाँ पे फटाफट से इसका आंसर, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। टिक कर लेंगे 33rd का सी पार्ट। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34th क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ध्यान से। कैन यू सी अ वुमेन सिटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क, एलाइस आस्क्ड हर। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया, एलाइस आस्क्ड हर, वो पूछने का काम कर रही है, बताने का तो काम ही नहीं कर रही। डायरेक्टली डी ऑप्शन को क्रॉस करें, आस्क्ड हर इफ, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट शी भी हर किसी में सेम है, लेकिन दो में कुड है और एक में कैन है। अब आंसर जब बनाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि मैम जो कैन है वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैन को आप चेंज किस में करोगे, बोलोगे मैम कुड में। यहां यू को तो आप लोगों ने शी में चेंज कर दिया, कैन को चेंज किया कुड में। तो चलिए यहाँ कुड तक भी बिल्कुल सेम था, लेकिन कुड के बाद यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या बना, कुड हैव सीन, जबकि हैव सीन तो आना ही नहीं चाहिए था, सीधा यहाँ पे सेम लगाना था। कैन का कुड बनाया, सी अ वुमेन, हैव सीन कहां से आया, तो पता चला ए पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जो इसको जल्दी से। चलिए आएंगे 35th क्वेश्चन की तरफ, द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश की तो पता चलना शुरू होगा एग्जैक्टली जो राजा है वो कहना क्या चाहता है। माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम, वो ऑर्डर तो किसी को भी नहीं दे रहा, वो कमांड किसी को भी नहीं दे रहा, वो सिर्फ सिंपल एक बात करने की बात कर रहा है। तो सेड दैट तक बिल्कुल सही है। His force, the king said, my force will protect the kingdom. ऐसा बोलेगा या that his force, the king said that the king's force, ऐसा बोलेगा, पता चल जाएगा 35th का आंसर है सी, क्योंकि किंग अपने बारे में king's force थोड़ी ना बताएगा, जो तो राजा बोल रहा है कि king's force will protect the kingdom। यहाँ पे आप लोगों को my को change करना था his में, ना कि my को the king's force में change करते, but obvious common sense है, C part को tick कर देंगे, that is the right answer। चलेंगे जी next question पे जल्दी से, 36 total 40 questions है, 5 क्वेश्चंस ही हमारे रहते हैं। चलिए, द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, जैसे ये क्वेश्चन देखा पता चला कि वो स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ना कि बता रहा है, ना ही सेड कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना। अगर ऐसा रिक्वेस्ट करने का काम करेगा तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप लोग काम कैसे करेंगे। रिक्वेस्टेड दैट ही, अब रिक्वेस्टेड तो बोल दिया, आफ्टर दैट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम इन, That he might be allowed to come in. अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली ये हमारा क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन वाले पार्ट में, लेकिन आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बताया था लेट का आंसर कभी भी लेट में नहीं आएगा, वहां पे आप लोग चेंज करते हैं, बताया था उसको वी में चेंज करेंगे, वी शुड वाला कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे वी शुड तो नहीं है, क्योंकि वो हम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो एक अकेले की बात करेगा और वो परमिशन ले रहा है, तो यहाँ पे परमिशन के कॉन्सेप्ट में विल वुड को नहीं माइट को यूज करते हैं, जो कि एक बहुत ही फॉर्मल मैनर है। अपने आप में माइट एक आप लोगों की वर्ब का काम करेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मोडल वर्ब का जब काम करेगा तो माइट ही आएगा, ही माइट बी अलाउड टू कम इन। चेक कर लेंगे 36 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी जल्दी से। After that आएंगे हमारे next question, that is 37th question पे। 37th question says, he said babies drink milk। अब यहाँ पे समझ में आया कि exactly वो करना क्या चाहता है, वो बता रहा है बिल्कुल, he advised, क्या उसने किसी को सलाह दी नहीं, क्या उसने किसी को बताया, said को told में नहीं change किया जाता। अगर rules पे बात करें तो said का said ही था, babies babies रहा, अब यहाँ पे drink था, बेबीज ड्रिंक मिल्क। अगर ड्रिंक को पढ़ें तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो हमारा ड्रिंक है वो अपने आप में किस चीज की बात कर रहा है। बोलोगे मैम प्रेजेंट की, अगर ये प्रेजेंट की बात करेगा तो वहां क्या हमारे टेंस चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे, लेकिन बेबीज ड्रिंक मिल्क, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, जहां पे भी बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बच्चों को आधा सेकंड नहीं लगता आंसर को गलत करने में, वो गलती से बी पार्ट को आंसर को टिक कराते हैं, जबकि आंसर बनेगा सी,
रीजन क्या था भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनिवर्सल फैक्ट है, छोटे बच्चे किसी भी जगह पे हो सब दूध ही पिएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा उसमें टेंसेज में कोई बदलाव नहीं आएगा, टिक कर लेंगे जी, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे जी आगे। आफ्टर दैट 38th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 38 सेड, आई सेड आई केम हेयर यस्टरडे, तो यहाँ पे समझ में आया, आई सेड आई केम हेयर यस्टरडे, तो आई सेड दैट, आई सेड दैट, यहां तक सब किसी में सेम था। आफ्टर दैट गो हेयर यस्टरडे, जबकि ये ऑप्शन तो बन ही नहीं सकती, आई को तो हम लोगों ने यहां से वैनिश थोड़ी करना है, अब आई का तो आई चलिए यहाँ पे रहा। अब केम को देखते ही समझ में आया, मैम दिस इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड को किसमें चेंज किया जाएगा, बोलोगे मैम उसको हमेशा चेंज किया जाएगा, किसमें चेंज करेंगे जी, आई केम हेयर यस्टरडे, यहाँ पे उसको चेंज किया जाएगा डेफिनेटली आप लोगों के पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि कम केम केम, कम केम कम, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जिसको चेंज करते हैं हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या वेंट आएगा, गो वेंट गॉन, यहाँ पे वेंट वाला तो रोल ही नहीं है, खत्म कर देंगे उसको। आफ्टर दैट हैड कम, ये सही है, कम हेयर दैट डे गलत है, यस्टरडे को चेंज किया जाता है प्रीवियस डे में, टिक कर लेंगे जी। 38 का ए पार्ट इज द राइट आंसर, टिक कर लेंगे जी जल्दी से। आई होप आप लोगों के भी आंसर ऐसे ही बन रहे होंगे। चलेंगे रजे 39th क्वेश्चन पे, बात की 39th की, ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स, ही सेड दैट द गवर्नमेंट, हर किसी में सेम है। अब यहाँ पे इज राइटिंग किस चीज की बात करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, टिक कर लेंगे जी। 39th का सी डी पार्ट इज द राइट आंसर, ही सेड दैट द गवर्नमेंट वॉज राइटिंग लेटर्स, यहाँ पे विल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, टिक करना जल्दी से। द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स, द गवर्नमेंट वॉज राइटिंग लेटर्स। चलिए चलेंगे आगे 40th क्वेश्चन की तरफ। He said, I have passed the examination. He said, I have passed the examination. He said, he, अब वो क्या कर रहे है? I have passed the examination. किस चीज का काम करेगा, बताने का ही तो काम करे ना। He said that, अनाउंसमेंट तो किसी तरीके की नहीं है, अब सभी में ही तक तो कॉमन है। After that have passed, बोलोगे मैम ये चेंज होगा had passed में, इसको क्रॉस करो, had to pass नहीं आएगा, had passed the examination, 40th का B part is the right answer. बहुत easy part है, जब हम लोगों ने इतने high level के question कर लिए तो ये questions तो वैसे ही बहुत easy लगते हैं, direct आप लोगों ने rule लगाया, question solve. तो चलिए आई होप ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। नरेशन का ये पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शंस के साथ भी बहुत अच्छे से डील किया। सो ये सारी की सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, इनमें से जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को नहीं आते थे kindly note that down so that आप लोग examination जाने से पहले एक बार उसको recall कर लेंगे, आप लोगों के लिए definitely बहुत helpful रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली बार ऐसी ही और videos के साथ, till then revise these concepts. Thank you.